टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम शिवली नगर के रजिया कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पर आज टोरेंट के कर्मचारी जो है मीटर बदलने के लिए आए हुए थे, लेकिन जो इमारत में रहने वाले लोग हैं उन लोगों ने उन्हें मीटर नहीं बदली करने दिया। आपको बता दें कि इस बारे में हमने जब टोरेंट के पीआरओ जो चेतन विद्यालय है उनसे बात की कि क्या मीटर जो है बदली किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो इस इमारत में जो मीटर लगे हैं वो MSB के समय के मीटर लगे हुए हैं, लेकिन चेतन विद्यालय ने बताया कि अगर मीटर सही है तो बदली करना कोई ज़रूरत नहीं है उसे, और अगर मीटर फॉल्टी है या कोई ख़राबी है तो हम उसे बदली कर सकते हैं। लेकिन आज जो यहाँ पर हम पहुँचे और लोगों से जानकारी ली तो उनका कहना है कि जो टोरेंट के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए थे वो जो यहाँ इमारत में मीटर लगे हुए हैं इलेक्ट्रिक के, वो सभी मीटर को बदली करना चाहते थे, लेकिन विरोध करने के बाद जो है वो यहाँ से चले गए। इमारत के लोग और यहाँ के स्थानीय नगर सेवक शाहआलम मौजूद है, इन लोग से बात करेंगे। शाहआलम भाई, क्या यहाँ पर हुआ था पूरा मामला जो मीटर बदली करने के लिए यहाँ पर आए थे? देखिए सर, ऐसा है ना कि सुबह जब टोरेंट के लोग आए थे यहाँ पे तो बिल्डिंग के रहने वाले लोगों ने उनको रुकाया, उनसे पूछा कि मतलब आप क्यों मीटर चेंज कर रहे हैं, और इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया। अब मैं इनका नगर सेवक हूँ, मैं तो मुझे इन लोगों ने फ़ोन किया कि भाई ऐसा ऐसा है कि टोरेंट आए पूरा मीटर चेंज करने के लिए। तो मतलब क्यों मीटर चेंज कर रहे, बिल्डिंग में मीटर है क्या? नहीं तो पूरा मीटर, एक एक घर के मीटर इस बिल्डिंग के अंदर है। तो मुझे ये बताइए कि जब मीटर पूरी बिल्डिंग के अंदर है, MSEB का दिया हुआ मीटर है, तो क्या ज़रूरत पड़ गई उसको चेंज करने की? मैंने जब उनका ऑफिसर से बात किया, मैंने उनको बोला कि देखिए हम इसलिए रोक रहे हैं कि मीटर है, अगर मीटर इस बिल्डिंग में नहीं है, मीटर फॉल्टी, आप उसको चेंज करो, हम नहीं रोकेंगे, उसका कोई ऑब्जेक्शन हम नहीं लेंगे। लेकिन जब मीटर है तो क्यों कर रहे हैं? या कोई ऐसा GR है क्या कि MSEB का मीटर निकाल के टोरेंट का ही मीटर लगाना ज़रूरी है? अगर ऐसा कोई GR है तो बताइए हमको। क्या कहा उन्होंने इस बारे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक गवर्नमेंट का, तो मैंने बोला गवर्नमेंट का है तो ये MSEB तो गवर्नमेंट की थी, आप तो फ्रेंचाइजी है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम, अगर मीटर चेंज ही करना है ना, तो मैं इनसे ये कहता हूँ कि एक तरफ से चालू करो, या कलवा से चालू करो या दीवा से चालू करो, एक साइड से चालू करते हो आप पूरे शहर को करेंगे, हम नहीं, हमारा कोई प्रॉब्लम, हम नहीं ऑब्जेक्शन लेंगे, लेकिन काम बीच में से सिर्फ मुमरा से करेंगे तो इसका विरोध हम करेंगे, हमारी ये मांग है। और बिल्डिंग के लोग, ये बिल्डिंग के लोगों ने रुकाया था, बिल्डिंग के लोगों ने कहा कि हमारा आप चेक कर सकते हैं, तमाम मीटर है, एक आपने भी देखा होगा कि तमाम बिल्डिंग के एक एक टेरेंट के मीटर लगे हुए हैं, तो फिर क्यों निकाल रहे हैं ये लोग मीटर? तो यहाँ पर जो है इमारत में रहने वाले और भी तमाम महिलाएं और पुरुष यहाँ पर हमसे बात करेंगे। चाचा, क्या कहेंगे आप, टोरेंट के कर्मचारी जो मीटर बदली करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, आप लोगों ने क्या उनसे कहा, क्यों नहीं मीटर बदली करने दिया? दूसरी बात, पहली बात तो ये है कि वो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिए, अपने मर्जी से आए और इसको चीज़ को काटने के और करने के बदले मीटर नया लगाएंगे। तो हमने कहा भाई इसे किस मीटर आप नया लगाएंगे, और जब तक हमारे पास कोई हुआ नहीं आया, हमारा बिल्डिंग के आदमी लोगों ने बोला कि भाई कोई कुछ बातें नहीं है आप मीटर बदली करने का, और आप बदली करने के लिए चले आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमने यहाँ के हमारे जो हैं कार्यकर्ता वो बेचारे आए यहाँ से बात की, और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद वो लोग यहाँ से चले गए। अब वो जो है वहाँ से आएंगे, अब क्या करते हैं अब तो मालूम पड़ेगा। उन्होंने बोले जब तक हमारे पास कोई ऐसा अब नहीं देंगे हम नहीं कर सकते, इस चीज़ को करने नहीं दिए और चले गए। क्या कहेंगे आप, जो टोरेंट के लोग यहाँ पर आए थे मीटर नहीं? टोरेंट तो पहले ऐसी है कि विदाउट इंटीमेशन के यहाँ पर आ गए, और एग्जिस्टिंग मीटर में तो जो प्रॉब्लम है उसको तो सॉल्व वो कर नहीं रहे हैं, और डायरेक्टली जो लगे हुए मीटर है उनको चेंज कर रहे हैं, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं है ना। और जब यहाँ पे से अगर कोई कंप्लेंट करने के लिए उनके ऑफिस में जाता है तो इतना वो टोकन लो, एक बार टोकन लो, दो लाइन लगाओ, तीन लाइन लगाओ, तो वहाँ पे तो कुछ सुनवाई होती ही नहीं है लोगों की। और यहाँ पे भी जो एग्जिस्टिंग मीटर में जो किसका 25,000 बिल आ रहा है, किसका 1,00,000 बिल आ रहा है, किसका 1.5 लाख बिल आ रहा है, लेकिन उसमें कुछ सुनवाई नहीं है उनकी। और जो प्रॉब्लम, जिस मीटर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जो अच्छे से चल रहे हैं, वो आके चेंज करने का मतलब कोई रीज़न ही नहीं है ना। किस लिए आ रहे हैं वो और क्या कर रहे हैं, और अगर करना है तो दीवा में क्यों नहीं कर रहे, कलवा में क्यों नहीं कर रहे, डायरेक्ट मुमरा में ही क्यों आ गए? मीटर तो सब सही है, पर पता नहीं अभी क्या रूल्स है, परेशानी तो कोई है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ आके परेशान कर रहे हैं मीटर चेंज करने के लिए। बिल भी बढ़ के आ रहा है, लॉकडाउन में जिस तरह से कम आना चाहिए था तो और ज़्यादा ज़्यादा भेज कर ऑलमोस्ट डबल ही आ रहा है बिल। डबल है, तीन गुना आ रहा है, डबल ट्रिपल ही है। चाचा, क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है
ज़्यादा से ज़्यादा बिल आ रहा है। यानी पहले जो है जो 1200, 700, 1000 रुपया जो आता था, अभी जो है 50,000, 20,000, 22,000, किसी का 1 लाख है, किसी का 1.5 लाख है, किसी का जो है 3,000, 1200 आता था, 6,000 रुपया महीने का आ रहा है। मामूली सा दुकान का जो है मुश्किल से 1200 या 800 आता था, अभी जो है 3,000, 4,000 महीने का। अभी फिलहाल आज जो यहाँ पर कर्मचारी आए थे मीटर बदली करने के लिए, वो लोग आए थे, टोरेंट का मीटर लगाया जा रहा था, तो आप लोग क्यों विरोध किए, क्यों नहीं लगाने दिए, क्या आपके मीटर सही है, फॉल्टी नहीं है? विरोध इसलिए करें कि जो पहले का मामला है जो बढ़ के आ रहा है, पहले उसको क्लियर करो, आप सही करो, फिर उसके बाद मीटर लगाओ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी को। मगर पहले जो बिल आ रहा है, जो जहाँ 100 रुपया आता था वहाँ 1000 रुपया आ रहा है, 1000 रुपया जहाँ आता था 20,000, 25,000, लाख लाख रुपया लोगों के पास बिल आया हुआ है, मगर उसका कोई हल नहीं है। वहाँ ऑफिस में जाओ, 2 बार, 3 बार, 4 बार जाओ, मगर कोई सुनवाई नहीं है। बार बार जाओ मगर फिर भी कोई, पहले बोलते हैं इसलिए आप लोगों ने मीटर नहीं लगाने, मीटर लगाने इसी वजह से नहीं दिए कि पहले जो लोगों का मामला है वो ठीक करें, उसके बाद आप मीटर लगाएं, कोई बात नहीं है। अगर मीटर खराब है तो लोगों के पास जो बिल है, ज़्यादा से ज़्यादा बिल है, कम से कम वो तो हल होना चाहिए मसला, तो वो पहले हल नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ मीटर चेंज करवा रहे हैं। ये बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, बगैर किसी पेपर के हमारी बिल्डिंग में घुसा है और बिल्कुल एक तरह की दादागिरी कहेंगे कि हम मीटर बदलेंगे, हमको किसी की ज़रूरत नहीं है, हमको किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं है और आप लोगों से किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो हमने उनसे मुद्दबाना गुजारिश की कि भाई आप लोग हमें पहले ये प्रोसीजर की मालूमात दीजिए, ये मीटर क्या है, क्यों लगाना चाहते हैं। हमारे मीटर तो MSEB तकरीबन जब से बिल्डिंग बनी है 20-20 सालों से ये मीटर चल रहे हैं, इसमें कोई फॉल्ट नहीं। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बगैर बताए हुए टोरेंट वाले यहाँ पे आ गए, किसी को इन्फॉर्म किए हुए, बिल्डिंग वालों का फ़ोन आया तो हम लोग पहुँचे यहाँ पे। शालम भाई, मैं काफ़ी जद्दोजहद किए उन लोग से, बताया गया कि भाई जो पब्लिक का प्रॉब्लम है पहले आप वो सॉल्व करो, जो बिल बढ़ के आ रहा है, जो भी समस्या है, फिर उसके बाद हम लोग सोचेंगे क्या करना आगे। तो यानी कि आप लोग मीटर नहीं बदली करने देंगे? नहीं नहीं, मीटर सही है, जो इमारत में लगे हैं सब दुरुस्त है, सब सही है, बिलिंग का सिर्फ प्रॉब्लम है। बिल ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, बिलिंग ज्यादा जो ये लोग कर रहे हैं ना, मीटर चेंज कर रहे हैं, बिलिंग का प्रॉब्लम है। तो आपने सुना कि जिस तरह से यहाँ पर जो टोरेंट के कर्मचारी आए थे मीटर बदली करने के लिए, लेकिन इमारत में रहने वाले लोगों ने उन्हें मीटर नहीं बदली करने दिया, क्योंकि इनका कहना है कि जो MSEB ने मीटर लगाई थी वो सभी मीटर सही है, उनमें किसी भी तरह की कोई तकनीकी खराबी नहीं है। कैमरामैन यूसुफ पुरी के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।